हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। पहले हमने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स किया था, उसमें हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किया था फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफ किए थे और न्यूमेरिकल्स किए थे। यहाँ पर भी हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड फॉर्म करेंगे, ग्राफ करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से हमें करना है। चलो देखते हैं आगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, ए रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। इसके लिए हम इस इक्वेशन के लिए हम क्या रेट लिख सकते हैं, आर रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। आर इज इक्वल टू के, ए का कंसंट्रेशन 1 फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम कंसंट्रेशन क्या की पावर हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। अगर सेकेंड ऑर्डर हुआ तो हम 2 लिखेंगे। जीरो ऑर्डर के लिए हम यहाँ पे 0 लिखते थे। अब नेक्स्ट है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। हम रेट को दूसरी तरीके से डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल आर इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी। ये डिफरेंशियल फॉर्म है, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये दोनों ही रेट के दो अलग अलग फॉर्म है, तो दोनों को हम इक्वल कर लेंगे। माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, ए का कंसेंट्रेशन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म को हटाने के लिए, डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं। तो वी विल डू इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, ए नॉट से ए तक, और इस साइड हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर टी तक। अब ये देखो, एट टाइम टी 0 ए का, ए जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन हम क्या मान के चलेंगे, ए नॉट मान के चलेंगे। एट टाइम टी ए का कंसंट्रेशन हम ए मानेंगे, विच इज रिमेनिंग कंसंट्रेशन, जो बच गया कंसंट्रेशन। ठीक है, ए जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था तो कुछ टाइम बाद ए का कंसंट्रेशन किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का, उसको हम ए मान के चलेंगे। तो ए नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड आफ्टर टी टाइम जो टाइम, आफ्टर टी टाइम जो कंसंट्रेशन बच जाएगा उसको हम क्या लेंगे, ए लेंगे। ए इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे ए नॉट से लेकर ए तक, और यहाँ पर 0 से लेकर टी तक। अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन डी ए अपॉन डी टी को जब सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, वो नेचुरल लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लिखेंगे लॉग ई, इट इज़ अ नेचुरल लॉग, लॉग ई ए, और कहाँ से कहाँ तक लिमिट हमने ली है, ए नॉट और ए, ऊपर ए नीचे ए नॉट, ये है क्या अपर लिमिट है और ये क्या लोअर लिमिट है। इंटीग्रेशन के टाइम हम कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं करते, उसको बाहर निकाल लेंगे माइनस के, और यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे टी का कंसंट्रेशन, और लिमिट हम लेंगे 0 से लेकर टी तक। इस साइड हमने अपर लिमिट टी लिया और लोअर लिमिट 0 लिया, क्योंकि हम 0 से लेकर टी तक इंटीग्रेट कर रहे थे। ये इस फॉर्म को हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम क्या लेंगे, लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए नॉट, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर लेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पर जब अपर लिमिट लेंगे वो आएगा t माइनस 0, तो हम उसको t लिख लेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस के t। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर log ई ए इज इक्वल टू, ये जो माइनस वाला है उसको हम इधर ले जाएंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, log ई ए नॉट माइनस के t। अब एक चीज़ देखो, अगर log e को log 10 में कन्वर्ट करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर किसी वैल्यू, कोई वैल्यू log e में है, log e x ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 2.303 log 10 x, यानी log e को log 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा log e a को अगर हमें कन्वर्ट करना है log बेस 10 के फॉर्म में, तो यहाँ पर 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे log 10 a। सिमिलरली यहाँ पर भी 2.303 log 10 a नॉट माइनस के टी। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर देंगे बोथ द साइड। तो यहाँ पर क्या बचेगा, जब हम डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा log 10 a इज इक्वल टू log 10 a नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303। तो ये जो हमारा इक्वेशन आया फाइनली, ये क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट है कि इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ स्ट्रेट आएगा, जो जिसको हम रिलेट कर सकते हैं इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। यहाँ y एक्सिस पर हम log 10 a लेंगे, x एक्सिस पर टाइम लेंगे, और जो इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू कौन देगा, विच इज इंटरसेप्ट की वैल्यू इज इक्वल टू log 10 a नॉट हो गए,
और m क्या है, m गिव दस वैल्यू ऑफ स्लोप विच इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303। सो बच्चों यहाँ पे देखो हमने क्या लिया है, log 10 a को लिया है y एक्सिस पर, टाइम को लिया है x एक्सिस पर, ठीक है। और जो log 10 a नॉट है वो किसकी वैल्यू दे रहा था, इंटरसेप्ट की वैल्यू दे रहा था, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है वो क्या है, log 10 a नॉट है, यानी दिस वैल्यू, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है वो क्या है, log 10 a नॉट है। इसका स्लोप नेगेटिव आएगा क्योंकि हमारे पास जो स्लोप की वैल्यू है वो माइनस में है, माइनस के टी अपॉन 2.303। तो जो हमारा जो ग्राफ है वो नीचे तक की तरफ जाएगा, नेगेटिव ग्राफ यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। अगर वैल्यू पॉजिटिव होती, पॉजिटिव के टी अपॉन 2.303 होती, तो हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जाता, बिकॉज ये नेगेटिव में है तो ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये स्लोप है, यहाँ पर एंगल थीटा बनेगा, स्लोप इज इक्वल टू 10 थीटा, और ये किसके इक्वल होगा, स्लोप इज इक्वल टू 10 थीटा एंड विच इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.30। तो स्लोप की वैल्यू इतनी आएगी हमारी, ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखना कि जो हमने इक्वेशन निकाली थी, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन अभी निकाली थी फॉर द फर्स्ट ऑर्डर के लिए, उसको आपको न्यूमेरिकल में यूज नहीं करना। न्यूमेरिकल में हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तभी न्यूमेरिकल इजिली आपसे हो पाएगा। अब देखो हमारे पास इक्वेशन क्या था, लॉग 10 ए नॉट माइनस लॉग 10 ए इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303, ये हम लिख सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन। अब देखो लॉग एम माइनस एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन, ठीक है। अगर लॉग की टर्म्स माइनस में है तो उसको हम सॉल्व करने के लिए उसको डिवाइड में ले सकते हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख लिया, लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए इज इक्वल टू, हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग 10 ए नॉट अपॉन ए विच इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। अब क्या लेंगे, टाइम को एक साइड रख लेंगे और बाकी सारी वैल्यूज को दूसरे साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, टू टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 10 ए नॉट अपॉन ए, और ए नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन और ए इज रिमेनिंग कंसंट्रेशन। हम लोगों को ये वाला जो इक्वेशन है वो न्यूमेरिकल में यूज करना है, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट है कि जो हमने यहाँ पे नेचुरल लॉग वाला इक्वेशन लिया था, ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पे लेंगे। हम क्या यहाँ पे ले रहे थे कि लॉग लॉग ई ए नेचुरल लॉग के फॉर्म में ले रहे हैं हम इसको, लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, ये हम इस इक्वेशन से यूज कर रहे हैं इसको। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ई एम माइनस लॉग ई एन को कैसे लिख सकते हैं, लॉग ई एम अपॉन एन लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, लॉग ई ए अपॉन ए नॉट विच इज इक्वल टू माइनस के टी। अब यहाँ पे देखो, अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, अगर सपोज ऐसा कुछ होता है कि लॉग ई एक्स इज इक्वल टू वाई, अगर इस फॉर्म में वैल्यू अगर हमारे पास कोई आती है तो हम इसको कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ये उधर जाके क्या हो जाएगा, ई वाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ई की पावर वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन है, यहाँ पर एक्स क्या है, ये है ए अपॉन ए नॉट इज द एक्स इज इक्वल टू ये वाई है। तो जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स एक्स विच इज इक्वल टू ए अपॉन ए नॉट, यहाँ पे हमने ए अपॉन ए नॉट लिख दिया, इज इक्वल टू ई जो वाई है वो इस फॉर्म में चल जाएगी माइनस के टी। तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम किस इसको कैसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, ए इज इक्वल टू ए नॉट, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप यहाँ पे देखो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए जो ग्राफ है वो कैसे हम ड्रॉ करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए जो ग्राफ है वो ऐसे आएगा। यहाँ पर हम एक साइड पे ले सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच इज इक्वल टू ए कंसंट्रेशन ऑफ ए, इस साइड पे हम एक्स एक्सिस पे लेंगे टाइम, ठीक है। और जो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज ही नहीं कर, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है लेकिन किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ख़त्म नहीं हो रहा है, मतलब इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है,
मतलब कभी इन्फिनिटी पे जाके इसका जो कंसंट्रेशन है, ए का कंसंट्रेशन, वो जाके खत्म हो जाएगा। कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि हमारा जो ए का कंसंट्रेशन है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर खत्म होगा, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती है। तो ये चीज़ याद रखना कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जैसे रेडियो एक्टिव डीके है, रेडियो एक्टिव डीके क्या होती है, चलती रहती चलती रहती चलती रहती है, उसमें कभी भी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज नहीं होता है। कभी किसी इनफाइनाइट टाइम पे जाकर उसका कंसंट्रेशन जीरो होगा, अदरवाइज उसका कंसंट्रेशन जीरो नहीं होता। फर्स्ट ऑर्डर के जो रिएक्शन होते हैं वो कॉन्टिन्यूटी में चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। सो इस ग्राफ में देखो, अगर हम इस इक्वेशन में टी इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए नॉट के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे देखो, अगर टाइम जीरो है तो ए किसके इक्वल है, ए नॉट के इक्वल है। ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जिसको हमने ए नॉट माना था। अगर टी इन्फिनिटी पुट करते हैं, अगर हम टी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करें तब जाके ए जीरो पे, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वो जीरो हो जाएगा। बट हमें नहीं पता कि कौन सा स्पेसिफिक टाइम है, तो यहाँ पर हमने टी इन्फिनिटी लिया, इसीलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो इन्फिनिटी टाइम पे जाके जीरो होता है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है। तो दिस इज ग्राफ फॉर एक्सपोनेंशियल, जो हमने अभी इक्वेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाली की थी उसके लिए। नेक्स्ट इज हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ किया था, उसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के भी लिए भी हाफ लाइफ इक्वेशन करेंगे। हाफ लाइफ क्या होता है, द टाइम इन विच द रिएक्शन कम्प्लीट 50%। जब रिएक्शन 50% कम्प्लीट हो जाता है, ऐसे टाइम को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ, दैट इज इक्वल टू टी हाफ। तो हमारा जो इक्वेशन था उसमें हम टी के, हमारा इक्वेशन क्या था जो हमने न्यूमेरिकल के लिए सॉल्व करके निकाला था, वो था टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 10 ए नॉट अपॉन ए का कंसंट्रेशन। तो अगर टी की वैल्यू हम क्या ले लेंगे फॉर द हाफ लाइफ रिएक्शन, टी की वैल्यू टी हाफ ले लेंगे और ए का कंसंट्रेशन भी हाफ हो जाएगा, दैट इज ए नॉट अपॉन 2। इनिशियल कंसंट्रेशन है वो भी हाफ हो जाएगा, तो ए नॉट अपॉन 2 ले लेंगे। पुट दीज वैल्यू ऑफ टी एंड ए इन दिस इक्वेशन, तो हमें क्या मिलेगा, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 10 ए अपॉन ए नॉट अपॉन 2। ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 लॉग 10 2 अपॉन के। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लॉग 10 2, मतलब 2 लॉग बेस 10 की वैल्यू फॉर द 2 ये आती है 0.3010। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो ये इक्वेशन जो है वो हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे अगर कहीं पर हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आता है तो। अच्छा, यहाँ पर एक और कंडीशन बन सकती है कि अगर हमारा रिएक्टेंट पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या लेंगे, उसके लिए कौन सा टाइम लेते हैं, उसके लिए हम लेंगे, ये तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है वो कभी एक स्पेसिफिक टाइम पे ख़त्म नहीं होता, वो इन्फिनिटी टाइम पे ख़त्म होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन होगा, लाइफ टाइम रिएक्शन होता है जब जब आपका 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम क्या लेंगे, सपोज इन्फिनिटी लेते हैं, तो ये कौन सा टाइम हुआ, जब टाइम इन विच रिएक्शन कम्प्लीट 100% कम्प्लीट हो गया। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, टी की जगह हम यहाँ लेंगे टी लेंगे लाइफ टाइम के लिए, टी एल एफ, जैसे पहले हम हाफ लाइफ के लिए टी हाफ लेते थे, यहाँ पे टी एल एफ लेंगे, मतलब फॉर लाइफ टाइम। तो हमारे पास इक्वेशन था टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 10 ए नॉट का कंसंट्रेशन अपॉन ए, तो टी की जगह टी एल एफ पुट करेंगे इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 10 ए नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन जीरो। जीरो इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर जो हमारा रिएक्टेंट था वो 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे हम जीरो ले सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन ये बन जाएगा टी एल एफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 10 ए नॉट। तो ये कंडीशन हमारी तब बनेगी जब हमारा रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और वो कब कंप्लीट होगा, एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन बन सकती है, हाफ लाइफ और लाइफ टाइम। लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो लाइफ टाइम वाला इतना नहीं है, हाफ लाइफ पीरियड ये ज़्यादा सिलेबस में आपके,
इसको ही आप ज़्यादा कंसिडर करोगे, इसको आप फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट हम कुछ ग्राफ डिस्कस करेंगे फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जितने भी ग्राफ है वो मैं एक साथ डिस्कस कर रही हूँ दोबारा से, तो जो किए हैं वो भी, जो नहीं की डिस्कस किए वो भी। यहाँ पे देखो, अगर आर इज इक्वल टू के ए का कंसंट्रेशन, इसके लिए अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम क्या लेंगे, वाई एक्सिस पर आर लेंगे और एक्स एक्सिस पर ए का कंसंट्रेशन लेंगे, तो ग्राफ कैसे आएगा, सीधा आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव के की वैल्यू है और के क्या है, स्लोप है, तो के क्या है, स्लोप है, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू जीरो है, इंटरसेप्ट नहीं होगा, यहाँ पर जो स्लोप है वो पॉजिटिव होएगा, विच इज़ इक्वल टू टेन थीटा, विच इज़ इक्वल टू के, स्ट्रेट ग्राफ आएगी। अगर पॉजिटिव वैल्यू होती है तो ऐसे ग्राफ आता है, अगर नेगेटिव वैल्यू आता है तो डाउनवर्ड ग्राफ आता है। ठीक है, अब ये इक्वेशन था आर इज इक्वल टू के ए नॉट ई माइनस के टी, ये हमने किया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया था। अगर इसके लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करना आता है तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम रेट को लेंगे वाई एक्सिस पर, टाइम को लेंगे एक्स एक्सिस पर, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो ये ग्राफ ऐसे डाउन जाएगा, डिक्रीज वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन के लिए हम ग्राफ ऐसे ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, जो हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमने निकाला था इनिशियली, तो उसके लिए हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है ये मैं बता चुकी हूँ आपको, कि अगर लॉग टेन ए इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग टेन ए नॉट, इसके लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करने को आता है तो हम इसको किस फॉर्म में कंसिडर कर लेंगे, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। ग्राफ स्ट्रेट आएगा हमारा, बट नीचे की तरफ आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है। यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम लेंगे लॉग टेन ए का कंसंट्रेशन और एक्स एक्सिस पर लेंगे टाइम, और यहाँ पर इंटरसेप्ट की वैल्यू कौन दिखा रहा है, इंटरसेप्ट की वैल्यू है लॉग टेन ए नॉट, तो ये यहाँ पर लॉग टेन ए नॉट, ये क्या है, इंटरसेप्ट की वैल्यू दे रहा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो इंटरसेप्ट है, विच इज़ इक्वल टू लॉग टेन ए नॉट। और जो हमारा स्लोप है, स्लोप की वैल्यू किसके इक्वल होगी, स्लोप को कौन शो कर रहा है, एम शो कर रहा है, विच इज़ इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303, हमारा जो स्लोप है वो नेगेटिव में है तो इसलिए ग्राफ नीचे की तरफ जा रही है, तो स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के अपॉन 2.30, ये किसकी वैल्यू है, स्लोप की वैल्यू, ये हम पहले भी कर चुके हैं डिस्कस। नेक्स्ट इक्वेशन है, अगर ये वाली इक्वेशन थी फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेचुरल लॉग के फॉर्म में, लॉग ई ए इज इक्वल टू लॉग ई ए नॉट माइनस के टी, अगर ये वाली इक्वेशन आती है तो इसके लिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पर लेंगे हम लॉग ई ए और एक्स एक्सिस पर लेंगे टाइम, जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी लॉग ई ए नॉट की इक्वल होगी, ये जो वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो किसके इक्वल है, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक किसके इक्वल होगी, लॉग ई ए नॉट की इक्वल होगी, विच इज़ इंटरसेप्ट, और स्लोप क्या आएगा हमारा, स्लोप हमारा नेगेटिव में, विच इज़ इक्वल टू माइनस के, तो स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, विच इज़ इक्वल टू माइनस के, हमारा ग्राफ इस ऐसे नीचे की तरफ जाएगा और इट विल मेक एंगल थीटा। नेक्स्ट है कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं फॉर द प्रोडक्ट, फॉर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड द टाइम, तो हमें पता है जैसे जैसे रिएक्शन चलती रहती है टाइम के साथ साथ, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, तो हम ये वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे फॉर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, ये वाला ग्राफ ऊपर की तरफ आएगा, और ये जो ग्राफ है पहले तो इंक्रीज हो रहा है, फिर कुछ टाइम बाद क्या हो रहा है, इसकी जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो कुछ टाइम बाद कांस्टेंट हो जाएगा, तो हम ग्राफ ऐसे ड्रॉ करेंगे फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब नेक्स्ट है ए इज इक्वल टू ए नॉट ई माइनस के टी, इसके लिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, हम पहले भी कर चुके हैं कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम लेंगे ए, एक्स एक्सिस पर हम लेंगे टाइम लेंगे, और वाई एक्सिस पर हम लेंगे ए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो हम कहाँ पे लेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर लेंगे, ये वाई एक्सिस पर लेंगे, और टाइम कहाँ लेंगे हम, एक्स एक्सिस पर लेंगे, और जो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने पहले भी किया था, इसके लिए ग्राफ ऐसे कुछ आएगा, और ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कभी ख़त्म नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको इस फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कभी डिक्रीज नहीं होता है, इनफाइनाइट टाइम पे जाके डिक्रीज होगा फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
तो हम ऐसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और ये जो वैल्यू है इंटरसेप्ट की वो किसके इक्वल होगी, ए नॉट की, यहाँ से कर यहाँ तक। ए नॉट इज द इंटरसेप्ट, ए नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये जो ग्राफ्स हैं इसको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ है कि अगर ग्राफ आपको इसके लिए ड्रॉ करना पड़ जाए, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 के, तो इसमें देखो जो हाफ लाइफ पीरियड है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना आता है टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के उस पे ग्राफ ड्रॉ करना आता है, इन दोनों के वर्सेस पर ग्राफ ड्रॉ करना आता है, तो हमारा जो लाइन है यहाँ पर कांस्टेंट लाइन शो हो रही है क्योंकि हमें पता है कि जो टी हाफ है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। तो हम उसके लिए कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यानी टी हाफ इज रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट टू द टी हाफ। टी हाफ पे डिपेंड नहीं करती, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्राफ है वो हमारे ऐसा आएगा, इंडिपेंडेंट टू द रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टी हाफ का ग्राफ ऐसे आएगा, कांस्टेंट ग्राफ आएगा क्योंकि क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन पर टी हाफ डिपेंड नहीं करता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाला था। नेक्स्ट है हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन है कि इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज फ्रॉम 800 मोल पर डेकामीटर क्यूब टू 50 मोल पर डेकामीटर क्यूब इन 2 × 10⁴ सेकेंड, फाइंड द रेट कॉन्स्टेंट। आपको रेट कॉन्स्टेंट निकालने हैं, चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि जो भी सही होगा उसमें आपको टिक लगाना है या वो आपको रिलेट करना है अपनी वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे देखते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर ये रिएक्शन है, क्वेश्चन में मेंशन होगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम इक्वेशन क्या लिखते थे। हमारा इक्वेशन था टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 10 ए नॉट अपॉन ए। ये हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमने निकाला था फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या देखा, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का 800 और डिक्रीजेस टू दिस मच, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ये है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ये है। टाइम आपको गिवन है, आपको रेट कांस्टेंट निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर टी पुट कर लेंगे 2 × 10⁴, के इधर आ जाएगा, टी इधर आ जाएगा, लॉग 10 ए नॉट क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन इज 800 एंड फाइनल रिमेनिंग कंसंट्रेशन इज 50, ठीक है। यहाँ पर इनके जो यूनिट्स हैं उनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मोल पर डेकामीटर क्यूब को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोल डेकामीटर के ऊपर लिखेंगे, मोल डेकामीटर क्यूब नीचे लिखेंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे यूनिट्स को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इनको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 16। 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग 10 16, 16 को हम कैसे लिख सकते हैं 2⁴। तो जब हम इसका लॉग लेंगे, लॉग 2⁴ लेंगे तो 4 आगे आ जाएगा और क्या लिखेंगे, लॉग 2, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2.303 अपॉन 2 × 10⁴, 4 लॉग 2। इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसका लॉग लेंगे, पावर वाले टर्म का लॉग लेते हैं तो पावर आगे आ जाता है, ठीक है। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। अब देखो 2.303 × 4, लॉग 2 की वैल्यू कितनी है, ये हमें लर्न करनी होती है, ठीक है। इसको लर्न कर लो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि लॉग 2 की वैल्यू बहुत बार न्यूमेरिकल में यूज़ होती है। तो लॉग 2 इज इक्वल टू 0.3010 अपॉन 2 × 10⁴, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.37 × 10⁴ - 4 सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो के का यूनिट क्या था, सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स या आर इनवर्स, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड में टाइम तो हम सेकेंड इनवर्स लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और इन चारों में से कौन सा हमारा आंसर है, इन चारों में से ये वाला हमारा आंसर है, तो हम इसको टिक करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कम्प्लीट इन 5 मिनट। कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो उसका वो 20% कम्प्लीट हो जाता है कितने देर में, 5 मिनट में। फाइंड द टाइम इन विच इट इज 60% कम्प्लीट। आपको वो टाइम निकालना है जब यही वाला रिएक्शन 60% कम्प्लीट हो जाए। तो बहुत सिंपल है ये न्यूमेरिकल, ध्यान से देखो। जब 20% कम्प्लीट होता है तो ए नॉट हम क्या मान के चलते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन हम 100 मान लेते हैं। 20% कम्प्लीट यानी 20
20% जो रिएक्टेंट था प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो बचा कितना रिमेनिंग कंसेंट्रेशन हम लेंगे यहाँ पे 80। हाँ, हमेशा हमने रिमेनिंग कंसेंट्रेशन लेनी है, ए इज इक्वल टू 80। कितने देर में? 5 मिनट में। तो इसके लिए हम इक्वेशन हमारा क्या है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 10 ए नॉट अपॉन ए। ए नॉट इज इनिशियल कंसेंट्रेशन विच इज इक्वल टू 100 और ए इज रिमेनिंग कंसेंट्रेशन विच इज इक्वल टू 80। ये हमने इक्वेशन पुट कर लिया, टाइम हमारा आ गया 5 मिनट। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर इसको करके छोड़ दो। अब हम देखते हैं जब हमारा रिएक्शन 60% कंप्लीट हो गया उस टाइम इनिशियल कंसेंट्रेशन हम कितनी मानेंगे, 100, रिमेनिंग कंसेंट्रेशन 40। 40 क्यों माना हमने, क्योंकि जब 60% कंप्लीट हो गया रिएक्टेंट तो बचा कितना है, 60% जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो बचा कितना, 40। 100 माइनस 60 40 बचा है। इस टाइम हमें कितनी देर में ये 60% कंप्लीट हुआ वो हमें टाइम निकालना है, तो टाइम की जगह टी पुट करेंगे, बाकी सबको यहाँ पे पुट करेंगे 2.303 लॉग 10 100 अपॉन 40। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन है उसको फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें टी की वैल्यू निकालनी है। डिवाइड सेकंड इक्वेशन, सेकंड को डिवाइड करेंगे फर्स्ट से। तो जब हम डिवाइड करेंगे ये वाली वैल्यू तो डिवाइड कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि सेम है 2.303, ये क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी, 2.303 अपॉन के ये दोनों में सिमिलर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। बचेगा क्या यहाँ पर, लॉग 100 अपॉन, यहाँ पर बचेगा टी अपॉन 5, टी अपॉन 5 कर लेंगे ठीक है, क्योंकि इसको हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, ये ऊपर लिखेंगे और ये नीचे लिखेंगे, टी आ जाएगा ऊपर 5 नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर क्या बचा, लॉग 10 100 अपॉन 40 डिवाइडेड लॉग 10 100 अपॉन 80, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे क्या रहेगा, ऊपर क्या बचेगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 10 अपॉन 4 बचेगा, नीचे भी 0 से 0 कैंसिल, नीचे क्या बचेगा 10 अपॉन 8 बचेगा। और वी नो द फॉर्मूला कि अगर लॉग 10 m अपॉन n है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग 10 माइनस 4, लॉग 10 माइनस लॉग 4 हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे लॉग 10 10 माइनस लॉग 10 4, या 10 10 आप ना लिखो, लॉग 10 माइनस लॉग 4 लिख लो, तो ऑब्वियसली आपको पता है लॉग बेस 10 के लिए ही लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग 10 माइनस लॉग 4 अपॉन, यहाँ पर भी वही m अपॉन n की कंडीशन है, तो लॉग m अपॉन n क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n। तो इसको हम क्या लेंगे, लॉग 10 10 माइनस लॉग 10 8, लॉग 10 माइनस लॉग 8 लिख लिया हमने यहाँ पे। अब ऊपर देखो, ऊपर क्या है, 4 है, लॉग 4 है, तो लॉग 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, अगर हम log 4 का log लेते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और पावर की जब log लेते हैं तो पावर आगे आ जाता है 2 log 2, 2 इंटू लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो वो हमने लिख लिया 1 माइनस 2 इंटू 0.3010। सिमिलरली नीचे देखो, अच्छा log 10 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे हमने 1 लिख लिया। सिमिलरली यहाँ पे भी नीचे log 10 की वैल्यू, log 10 की वैल्यू जिसका बेस 10 है, log बेस 10 और 10 की वैल्यू है, तो हम कितनी वैल्यू आएगी उसकी, 1 आएगी ठीक है। माइनस log 8, 8 का हम log कैसे लिखेंगे, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, पावर लेते जो पावर वाली log होती है ठीक है, log जब हम लेते हैं तो पावर क्या आ जाता है, आगे आ जाता है, तो 3 log 2 आ जाएगा, 3 इंटू लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 0.3010, तो ऐसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, जब 1 को इनसे माइनस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, इसको सॉल्व करके। यहाँ पे टी अपॉन 5 था तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 4 अपॉन 1 बचेगा, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 4 20 मिनट। तो जब रिएक्शन 60% कंप्लीट हुई तो टाइम कितना लगा, 20 मिनट। 20 मिनट में रिएक्शन 60% कंप्लीट हुई, ये हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल करेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो क्या है, देखो, ए इज चेंजिंग टू प्रोडक्ट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द कंसेंट्रेशन ऑफ ए चेंजेस फ्रॉम 0.1 m टू 0.025 m इन 40 मिनट, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज 0.01 m। आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, स्मॉल r निकालना है यहाँ पे, जब ए का कंसेंट्रेशन 0.01 था। अब देखो, सबसे पहले हमें रेट निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, क्या फॉर्मूला था, रेट इज इक्वल टू के ए का कंसेंट्रेशन की पावर 1, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर पावर 1 लिखते थे हम यहाँ पे। अब हमें सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए ए तो हमारे पास है ही 0.1 ठीक है, ए तो है हमारे पास 0.1,
तो हमें रेट निकालना है। ए का कंसेंट्रेशन हमें 0.1 m दे रखा है, अगर यहाँ पे कोई और कंसेंट्रेशन भी गिवन हो तो आप उसको यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। तो आपको ए का कंसेंट्रेशन गिवन है 0.1 m, रेट निकालना। रेट निकालेंगे आपको के चाहिए, तो के कैसे निकालेंगे, विद दिस फॉर्मूला निकालेंगे हम। टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 10 ए नॉट अपॉन ए। के इज इक्वल टू, के को इधर ले जाएंगे टी इधर आ जाएगा, तो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 ए नॉट अपॉन ए। अब यहाँ पे टाइम कितना लेंगे, कितने टाइम में ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इनिशियल कंसेंट्रेशन इसमें कन्वर्ट हो रहा है एट टाइम 40 मिनट, 40 मिनट लिखने हैं, तो टाइम की जगह 40 लिखेंगे। लॉग 10 इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.1 है, और रिमेनिंग कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.025। डेसिमल्स को हटाएंगे तो जीरो पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा यहाँ पर 4। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। और लॉग जब हम पावर वाली वैल्यू को लॉग लेते हैं तो पावर आगे आ जाता है, बाकी जो बचता है लॉग 2 उसकी हम वैल्यू देख लेते हैं टेबल से, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2.303 इंटू 2 इंटू लॉग 2 अपॉन 40। इसको सॉल्व करेंगे, लॉग 2 की वैल्यू इतनी आ गई, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, के इज इक्वल टू 3.47 इंटू 10 to the power -4 मिनट इनवर्स, ठीक है। हमारा टाइम मिनट में था तो हम यहाँ पे मिनट इनवर्स ले लेंगे। फिर नेक्स्ट इज हमें निकालना क्या, हमें निकालना रेट। रेट निकालना जब हम रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कितना गिवन है, 0.1 m, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0.1। के की वैल्यू हमने इस इक्वेशन से निकाली कितनी आई, 3.47 इंटू 10 to the power -4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो रेट है वो कितना आ जाएगा, 0.347 इंटू 10 to the power -4 मोल पर लीटर पर मिनट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम हमें के गिवन है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, के इज इक्वल टू 6.93 इंटू 10 to the power -3 मिनट इनवर्स, देन फाइंड द टाइम ऑन फॉलोइंग कंडीशंस। आपको टाइम निकालना है इन कंडीशंस पे। अगर टी हाफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला था 0.693 अपॉन के, अगर हमें टी हाफ निकालना है। के की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और हमें पता है टी हाफ जो है वो रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता, तो फॉर्मूले में रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन नहीं है। अगर हमें टी 1/3 निकालने को बोला जाता है तो कैसे निकालेंगे उसको, टी 1/3, टी 2/3, टी 3/4, अगर ये सब निकालने को हमें बोला जाता है तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। वो फॉर्मूला हम अडॉप्ट कर सकते हैं कि अगर हमें फ्रैक्शनल वैल्यू टाइम की निकालनी है तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला अपनाएंगे, टी फॉर द फ्रैक्शन वैल्यू इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 10, ठीक है, 1 अपॉन 1 माइनस एफ। जो भी फ्रैक्शन यहाँ पर है, जैसे मान लो 1/3 है, तो 1 में से 1/3 माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा, 2/3। सपोज यहाँ पे 2/3 है तो 1 माइनस 2/3 कितना आ जाएगा, 1/3। सिमिलरली यहाँ पे अगर टी 3/4 है तो 3/4 अगर इधर लेते हैं तो 1 माइनस 3/4 कितना आ जाएगा, 1/4, तो वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 इससे लिया क्योंकि जो कंसेंट्रेशन है वो इनिशियल कंसेंट्रेशन जो भी गिवन होगी वो कैंसल आउट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो टी 1/3 हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे इसको, इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, के की वैल्यू जो भी दे रखी है वो यहाँ पे लिखेंगे, लॉग ए नॉट अपॉन यहाँ पर 2/3। ए नॉट कैसे आया, क्योंकि मैंने आपको बोला था 1 माइनस फ्रैक्शन वैल्यू, तो 1 माइनस 1/3 कितने आ जाएगा, 2/3 ऑफ ए नॉट। ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। तो हम इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस एफ, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे। तो ये कितना आ जाएगा, 2.303 अपॉन के लॉग 3/2, और फिर इसको हम फर्दर सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं अगर इन कंडीशंस पर आते हैं। अगर नेक्स्ट है कि अगर हमें बोलते हैं टी 2/3 निकालो तो हम क्या लेंगे, 2.303 अपॉन के लॉग 10 ऊपर ए नॉट अपॉन जो भी कंसेंट्रेशन होगी वो हम कंसेंट्रेशन यहाँ पुट करेंगे, 1 माइनस एफ। 1 माइनस 2/3 कितना आ जाएगा, 1/3, तो 1/3 ऑफ ए नॉट आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, 2.303 अपॉन के लॉग 10 3, ऊपर 3 बचेगी, यहाँ पे 2/3 था, ऊपर जाके क्या हो गया था, 3/2 हो गया था। सिमिलरली इसमें भी तो हम ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने अलग अलग कंडीशन पर आपको एक ही साथ ही तरीका बता दिया कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। ये मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं वो इनफाइनाइट टाइम पे जाके कंप्लीट होते हैं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है।
हम कुछ एग्जांपल देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल इन न्यूक्लियर फिजिक्स जो रेडियो एक्टिव डिके होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, रेडियो एक्टिव डिके. सेकेंड है ग्रोथ एंड डिके ऑफ बैक्टीरिया. जो ग्रोथ और डिके ऑफ बैक्टीरिया भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है. थर्ड है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन एसिडिक मीडियम. केन शुगर का इन्वर्जन, केन शुगर जो है एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है. एंड द नेक्स्ट इज कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर क्या होता है, जब हम वाटर के प्रेजेंस में इन एसिडिक मीडियम एस्टर को लेते हैं तो इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है और एक इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है और क्या देता है, एसिटिक एसिड और इथेनॉल देता है. ठीक है, तो ये भी हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है. ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करेंगे फॉर द फर्स्ट ऑर्डर गैशियस रिएक्शन. अगर हमारे रिएक्टर में प्रोडक्ट गैस फॉर्म में है तो फर्स्ट ऑर्डर को कैसे लेना है, हम वो करेंगे. अभी तक हमने जो किया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किया था, जो भी उसके न्यूमेरिकल किए थे वो गैशियस फेज में नहीं थे, लेकिन अब हम जो गैशियस फेज के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए हम अलग से जो हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन था उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे. वो कैसे करेंगे देखो, फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर अ फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन. सपोज कोई रिएक्शन है, ए गैस फेज में है, बी गैस फेज में है और सी गैस फेज में है. ए इज कन्वर्टिंग इन टू बी प्लस सी, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है. एट टी जीरो, इनिशियली एट टी जीरो इसका हम जो प्रेशर है, क्योंकि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे गैसेस फॉर्म में है तो हम प्रेशर लेंगे ना कि कंसेंट्रेशन लेंगे, तो प्रेशर की फॉर्म में तो इसका हमने ए का जो प्रेशर है, ए जो रिएक्टेंट है उसका प्रेशर हम क्या लेंगे, पी आई लेंगे. एट टाइम जीरो इनके जो प्रेशर है वो जीरो होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारा बना ही नहीं है एट टाइम जीरो, तो हम इनको जीरो जीरो प्रेशर मान के चलेंगे. आफ्टर टाइम टी इसमें से कुछ प्रेशर माइनस होता हुआ नजर आएगा और प्रोडक्ट में कुछ प्रेशर बनता हुआ नजर आएगा, तो हम क्या लेंगे कि पी आई माइनस पी, और वो प्रेशर यहाँ पर हमें शो होगा, जो रिएक्टेंट से माइनस होगा वो प्रोडक्ट में शो होगा. तो हम ये ऐसे लिखेंगे कि सपोज हमने यहाँ से पी प्रेशर माइनस हुआ है हमारा आफ्टर टाइम टी, और वो प्रेशर यहाँ पर शो होगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, पी पी के फॉर्म में. सो टोटल प्रेशर जो है वो क्या लेंगे, टोटल प्रेशर को हमने पी टी लिखा है विच इज इक्वल टू, इन सबको प्लस कर लो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के प्रेशर को प्लस कर लो आफ्टर टाइम टी, तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा विच इज इक्वल टू पी आई माइनस पी प्लस पी प्लस पी, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास पी टी क्या बचेगा, पी आई प्लस पी. तो यहाँ से पी की वैल्यू निकालेंगे, जो प्रेशर माइनस हुआ है उस पी की वैल्यू निकालेंगे, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी टी माइनस पी आई. अब एक चीज़ देखो, आफ्टर टाइम टी जो फाइनल प्रेशर था ए का वो क्या होगा, फाइनल प्रेशर जो ए का है वो कितना है, ये है पी आई माइनस पी था हमारे पास. ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे कि जो फाइनल प्रेशर हमारा ए का है आफ्टर टाइम टी, वो हम सिर्फ इतना लेंगे, ये लेंगे. ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, पी आई माइनस पी. अब ये जो पी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है उसको इसमें पुट कर देंगे. ठीक है, तो पी की वैल्यू कितनी है, पी टी माइनस पी आई. हम क्या लिखेंगे, पी फाइनल इज इक्वल टू पी आई माइनस पी की जगह पे क्या आ जाएगा, पी टी माइनस पी आई. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पी आई माइनस पी टी प्लस पी आई, तो पी आई टू पी आई हो जाएगा माइनस पी टी. तो पी फाइनल कंडीशन पे प्रेशर एट फाइनल कंडीशन पे, मतलब एट पर्टिकुलर टाइम टी, हमारे पास इतना आ गया. जो हमारा इक्वेशन होता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किया था, तो गैस फेज के लिए हम कैसे लिखेंगे कि के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, वहाँ पे हम क्या लेते थे, ए नॉट अपॉन ए लेते थे, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन रिमेनिंग कंसंट्रेशन. यहाँ पर हम क्या लेंगे, इनिशियल प्रेशर अपॉन रिमेनिंग प्रेशर, यानी फाइनल प्रेशर, जितना भी फाइनल प्रेशर हो जाएगा माइनस होने के बाद. तो यहाँ पे ई पी आई की जगह पी आई लिखेंगे. ठीक है, और पी फाइनल की जगह पे हम क्या लेंगे, जो हमने यहाँ से निकाला है, विच इज इक्वल टू 2 PI माइनस पी टी. ये सारे हम फॉर्म पहले जनरल इक्वेशन के साथ करेंगे, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इसके. सो दिस इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैशियस रिएक्शन. सो नेक्स्ट हम गैशियस रिएक्शन, नेक्स्ट लेट अस कंसीडर अनदर गैशियस रिएक्शन, दैट इज ए इज कन्वर्टिंग इन टू 2B प्लस सी. तीनों ही गैसेस फेज में है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही गैसेस फेज में है, यहाँ पे प्रोडक्ट दो है. ठीक है,
तो एट टाइम जीरो टी जीरो हम क्या लेंगे, इनिशियल कंसिडरेशन जो रिएक्टेंट का पी आई लेंगे, इनका जीरो जीरो लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आफ्टर टी टाइम इसमें से कुछ प्रेशर माइनस करेंगे, हम पी भी माइनस कर सकते हैं, एक्स भी माइनस कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे एक्स माइनस किया है तो पी आई माइनस एक्स आफ्टर टी टाइम इसमें से एक्स माइनस करेंगे। अब यहाँ पर जो वो है टू मोल्स हैं, बी के कितने मोल्स हैं, टू मोल्स हैं, तो हम यहाँ पे टू एक्स लेंगे क्योंकि ये डबल बन रहा है, तो टू एक्स लेंगे। यहाँ पर सिंगल सी है तो यहाँ पर एक्स लेंगे, ठीक है। तो पी आई माइनस एक्स टू एक्स, यहाँ पर क्या लेंगे, एक्स लेंगे। जितने यहाँ मोल्स होंगे उतने यहाँ पर एक्स लेंगे, ठीक है, उतना ही हम प्रेशर यहाँ पर शो करेंगे, ये प्रेशर है। आफ्टर अब लेंगे टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर रिएक्टर और प्रोडक्ट दोनों का प्रेशर टोटल करके आता है, तो वो हमारे पास आ जाएगा पी आई माइनस एक्स प्लस टू एक्स प्लस एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो हमारे पास टोटल प्रेशर क्या बचा, पी आई प्लस टू एक्स। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू एक्स को इस साइड ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा पी टी माइनस पी आई। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी टी माइनस पी आई अपॉन टू। अब हमारे पास जो फाइनल प्रेशर है ए का आफ्टर टाइम टी, वो किसके इक्वल है, पी आई माइनस एक्स, जैसे हमने पहले भी किया था। तो पी आई माइनस एक्स मैंने फाइनल प्रेशर लिख लिया क्योंकि हमें इक्वेशन में जरूरत होती है फाइनल प्रेशर की। पी आई माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई, इतनी आई हमारे पास पी टी माइनस पी आई अपॉन टू। तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, पी टी माइनस पी आई अपॉन टू। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, टू पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई। इसको सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल प्रेशर है वो कितना आ जाएगा, थ्री पी आई, क्योंकि यहाँ पे टू पी आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये थ्री पाई, थ्री पी आई हो जाएगा। तो फाइनल प्रेशर हो जाएगा हमारे पास थ्री पी आई माइनस पी टी अपॉन टू। अब आगे देखो हमारा जो इक्वेशन था वो क्या था, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर को हम क्या लिखेंगे, पी आई, और जो फाइनल प्रेशर है वो किसके इक्वल आ गया हमारा, थ्री पी आई माइनस पी टी अपॉन टू। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे फाइनल प्रेशर थ्री पी आई माइनस पी टी अपॉन टू, तो जो टू है वो ऊपर चला जाएगा, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 2 PI अपॉन 3 PI माइनस PT, ये हमारा फाइनल इक्वेशन बनेगा इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो ये जनरल इक्वेशन से अगर हमारा इक्वेशन इस टाइप का होता है तो हम ये वाला तरीका अडॉप्ट करेंगे। एक और इक्वेशन ले लेते हैं फॉर गैसेस फेस, जैसे मान लो ए है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस हाफ 1/2 सी में भी कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे दो प्रोडक्ट हैं, ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस 1/2 सी। एट टाइम टी जीरो इसका जो रिएक्टेंट का इनिशियल कंसिडरेशन हम क्या लेंगे, पी आई, और प्रोडक्ट का क्या लेंगे, जीरो जीरो। एट टाइम टी इसमें से एक्स माइनस करेंगे और वो प्रेशर आगे जाएगा, बी का जो प्रेशर है वो आफ्टर टी टाइम एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर हम एक्स बाय टू लेंगे, जितने मोल्स होंगे उतने ही हम यहाँ पर मैंशन करते हैं। अगर यहाँ पे 2c होता तो 2x लेते हैं, यहाँ पे 2b होता तो 2x लेते हैं, यहाँ पर अगर 3b होता तो 3x लेते हैं। यहाँ पे 1/2c था यानी जो c के मोल्स है वो हाफ बनेंगे, तो हम क्या लेंगे, x बाय टू प्रेशर लेंगे। यहाँ पे टोटल प्रेशर जैसे हमने पहले भी किया था, पी टी इज इक्वल टू, इन सबको प्लस कर लो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के प्रेशर को, पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स बाय टू। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया तो पी टी इज इक्वल टू कितना आ गया, पी टी इज इक्वल टू पी आई प्लस एक्स बाय टू आ गया। अब हम क्या करेंगे, पी टी इज इक्वल टू इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 PI प्लस एक्स अपॉन टू आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लिया हमने, यहाँ पर देखो 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 PT इज इक्वल टू 2 PI प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू हमें निकाल लेते हैं अलग से, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 PT माइनस 2 PI। नेक्स्ट है कि हमारे पास जो फाइनल प्रेशर है वो क्या होता है, पी आई माइनस एक्स है, तो फाइनल प्रेशर इज पी आई माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने ऊपर से, 2 PT माइनस 2 PI। तो यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, 2 PT माइनस 2 PI, तो पी फाइनल क्या हो जाएगा, 3 PI। 3 PI कैसे हो गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टू और वन 3 PI हो जाएगा, यहाँ पे 3 PI प्लस 2 PT, तो हमारे पास जो पी फाइनल है वो ये आ जाएगा 3 PI प्लस 2 PT। इक्वेशन हम लिखेंगे इसके लिए, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई अपॉन 3 PI प्लस 2 PT, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल प्रेशर है, ये इनिशियल प्रेशर था, ये फाइनल प्रेशर था फॉर दिस इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे,
ठीक है, जो हमने जनरल इक्वेशन अभी किए थे उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। अब एक चीज़ देखो आगे, क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग डाटा वर ऑप्टेन ड्यूरिंग फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। डिकम्पोजिशन हो रहा है किसका, SO2Cl2 का, किस में हो रहा है ये जो SO2Cl2 है वो किस में डिकम्पोज हो रहा है, SO2+Cl2 में डिकम्पोज हो रहा है। ये गैशियस फेस है, आपको डाटा गिवन है कि अगर टाइम जीरो था तो टोटल प्रेशर 0.5 था रिएक्टेंट का। अगर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये डाटा कैलकुलेट किया गया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या डाटा कैलकुलेट हुआ कि एट 100 जब टाइम 100 मिनट हो गया, ठीक है, तो टोटल प्रेशर कितना है 0.6। ठीक है, यहाँ टाइम हम ले लेते हैं सेकेंड में ले लेते हैं, सपोज सेकेंड में हमें टाइम गिवन है सेकेंड में। ठीक है, डाटा में गिवन होगा कि टाइम सेकेंड में है या मिनट में, जो भी होगा आप उस हिसाब से क्वेश्चन में टाइम ले लोगे। हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट के निकालना है। सेकेंड हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65 एटमोसफेयर। आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है कि जब प्रेशर 0.65 एटमोसफेयर हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन देखो, SO2Cl2 इज कन्वर्टिंग इंटू SO2+Cl2। टी जीरो है, जब टी जीरो है तो इनिशियल प्रेशर जो SO2Cl2 का कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमें 0.5। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इनिशियल कंसंट्रेशन, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपको गिवन है। ठीक है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एट टाइम जीरो कितना हमें गिवन है, 0.5 गिवन है। यहाँ पर क्या लेंगे हम, जीरो जीरो लेंगे। ठीक है, ये किसका गिवन है, रिएक्टेंट का प्रेशर गिवन है हमें। अब एक चीज़ देखो, एट टाइम टी जीरो इसका जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, 0.5 माइनस एक्स हो जाएगा, कुछ माइनस होगा और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। यहाँ मोल्स वन है तो एक्स ले लेंगे, यहाँ पर भी मोल वन है तो यहाँ पर एक्स ले लेंगे। अब नेक्स्ट है हम टोटल प्रेशर निकालेंगे, जैसे कि हम पिछले इक्वेशन में कर चुके हैं कि 0.5 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, जब प्लस करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। टोटल प्रेशर हमें कितना दे रखा है, टोटल प्रेशर हमें आ रखा है 0.6। ठीक है, यानी आपको पीटी गिवन है, पीटी कितने गिवन है, 0.6। एक चीज़ याद रखना, अगर टाइम जीरो पे आपको प्रेशर गिवन है तो ऑब्वियसली वो किसका दे रखा होगा, SO2Cl2 का, रिएक्टेंट का ही आपको प्रेशर गिवन होगा, क्योंकि टाइम जीरो पे प्रोडक्ट तो बना ही नहीं होता है। तो टाइम जीरो पे ऑब्वियसली किसका प्रेशर दे रखा है, रिएक्टेंट का प्रेशर दे रखा है आपको। ठीक है, तो एट आफ्टर टाइम टी कितना प्रेशर हमें ऑब्जर्व हुआ, 0.6। यानी अगर आफ्टर टाइम टी, ठीक है, 100 सेकेंड के बाद कितना प्रेशर ऑब्जर्व हुआ यहाँ पे, 0.6। तो हमने इसको लेंगे पीटी, पीटी कितना ऑब्जर्व हुआ, 0.6। तो 0.6 इज इक्वल टू 0.5 प्लस एक्स हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे कितना आएगा, 0.1 आ जाएगा सॉल्व करके। अच्छा, पी फाइनल जो है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पी फाइनल है, वो किसके इक्वल है, 0.5 माइनस एक्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.5 माइनस एक्स, और एक्स कितना आ गया, 0.1। तो हमारे पास फाइनल जो प्रेशर है रिएक्टेंट का वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 0.4। हमारे पास इक्वेशन है हमारे पास कि के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी इनिशियल माइनस पी फाइनल। पी इनिशियल हमारे पास कितना था, 0.5, ये इनिशियल प्रेशर है 0.5, पी फाइनल हमने निकाल लिया 0.4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2.303 अपॉन, अच्छा जो टाइम है हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पर हम 100 सेकेंड लेंगे, क्योंकि जो टोटल प्रेशर जो आ रहा है एट लास्ट जो हमारा 100 सेकंड के बाद आ रहा है, तो यहाँ टाइम कितना लेंगे, 100 लेंगे। फिर लॉग एम अपॉन एन का फॉर्मूला यहाँ पे अपनाएंगे, लॉग एम अपॉन एन क्या हो जाएगा, लॉग एम माइनस एन। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, लॉग 5 अपॉन लॉग 5 माइनस लॉग 4, ये लिखेंगे हम। सो नेक्स्ट इज के 2.303 अपॉन टी की जगह पे 100 आ जाएगा, लॉग 5 माइनस लॉग 4, 2.303 अपॉन 100। लॉग 5 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, लर्न कर लो कि लॉग 5, लॉग 4, लॉग 2, लॉग 3 कुछ वैल्यूज हैं जो लर्न कर लो तो आपको न्यूमेरिकल में इजी हो जाएगा। लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.6991 एंड लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.6021।
ये वैल्यू होती है। वैसे तो टेबल में आप देख सकते हो, बट लर्न कर लो तो ज़्यादा ईजी है आपको। न्यूमेरिकल से बार बार लॉग टू, लॉग फोर, लॉग फाइव, लॉग थ्री की वैल्यूज आती ही आती हैं। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.0970 एंड के इज इक्वल टू 2.303 इंटू 10 to the power -3 सेकेंड। अब हमें करना है इसका बी पार्ट। बी पार्ट क्या है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65 एटमोसफेयर। हमें रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, रेट इज इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। है यहाँ पे कंसेंट्रेशन की जगह हम क्या लेंगे, प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट लेंगे। अब हमें क्या बोला हुआ है कि आपको रेट निकालना है जब प्रेशर, टोटल प्रेशर इतना हो। पहले हम टोटल प्रेशर ये मान के चल रहे थे, अब हम टोटल प्रेशर अपना चेंज कर देंगे। टोटल प्रेशर 0.6 की जगह पे क्या ले लेंगे, 0.65 ले लेंगे। तो पी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.5। पी टी इज इक्वल टू यहाँ पे हम ले लेंगे 0.5 प्लस एक्स। यहाँ पे लिखेंगे पी टी इज इक्वल टू 0.5 प्लस एक्स। पी टी की जगह, पी टी हम 0.6 की जगह क्या लेंगे यहाँ पे, 0.65। और x की वैल्यू निकालेंगे, x क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.15 आ जाएगा। इसको माइनस कर लेंगे तो अच्छा, जो p फाइनल है यानी रिमेनिंग जो प्रेशर है SO2Cl2 का, वो कितना आएगा, 0.5 माइनस x। यहाँ जैसे हमने निकाला था p फाइनल जिसको हम बोल रहे थे, 0.5 माइनस x, x कितना आ गया हमारे पास, x आ गया हमारे पास 0.15। तो हम लेंगे कि 0.5 माइनस 0.15, तो हमारे पास आ जाएगा p फाइनल 0.35। यानी अगर हमारे पास टोटल प्रेशर अगर इतना होता, 0.65 एटमोसफेयर होता, तो प्रेशर कितना बचता SO2Cl2 का, इतना 0.35, ये रिमेनिंग प्रेशर है। तो ये वाला प्रेशर हम यहाँ पे लेंगे, K की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं, 2.23 इंटू 10 to the power -3 इंटू जो रिमेनिंग प्रेशर है A का कितना आ जाएगा, 0.35। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7.805 इंटू 10 to the power -4 एटमोसफेयर सेकेंड इनवर्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो दिस इज रेट। अब गैशियस फेस पे एक और न्यूमेरिकल हम करते हैं। द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और डिकम्पोजिशन दे रखा है N2O5 का। ये किसमें डिकम्पोज हो रहा है, N2O4 प्लस O2 में। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट सीएल नंबर 1 की बना है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के टाइम अगर टाइम 0 था तो टोटल प्रेशर इतना ऑब्जर्व हुआ है। अगर सेकेंड एक्सपेरिमेंट में अगर टाइम 100 था तो टोटल प्रेशर इतना ऑब्जर्व हुआ है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें रेट कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, N2O5 किस में डिकम्पोज हो रहा है, N2O4 में प्लस O2 में डिकम्पोज हो रहा है। एट टाइम 0 जो इसका प्रेशर है वो कितना दे रखा है, 0.5। टाइम 0 पे इनका प्रेशर तो 0.0 हो जाएगा। एट टाइम टी जो इसका प्रेशर होगा वो कितना होगा, 0.5 माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 N2O5 है तो माइनस 2x हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या लेंगे, 2x, क्योंकि ये भी 2 N2O4 होते हैं, यहाँ पे 2x ले लेंगे। यहाँ पे 1 O2 है तो यहाँ पे x ले लेंगे। यहाँ पे प्रेशर 2x आएगा, यहाँ x आएगा। अच्छा, नेक्स्ट है कि टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, 0.5 माइनस 2x प्लस 2x माइनस x, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। टोटल प्रेशर विल बी 0.5 प्लस x। और टोटल प्रेशर हमें 100 सेकंड के बाद क्या दे रखा था, 0.512 दे रखा था डाटा में। ठीक है, तो आप लेक्चर को पीछे करके देख सकते हो, 0.512 आपको टोटल प्रेशर गिवन था एट टाइम 100 सेकंड पे। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0.5 प्लस x। x की वैल्यू हम निकालेंगे जैसे हम पहले करते थे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.012 एटमोसफेयर। p फाइनल जो है वो किसके इक्वल होगा, 0.5 माइनस 2x। एट टाइम t को ही हम p फाइनल लेते हैं, 0.5 माइनस 2x हो जाएगा। और x की वैल्यू कितनी आएगी, 0.012। यहाँ पे पुट करेंगे 2 इंटू 0.012, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.476। क्लियर। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन क्या था फर्स्ट ऑर्डर का फॉर गैसेस फेज, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई अपॉन पी एफ, पी इनिशियल माइनस सॉरी पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल। पी इनिशियल कितना था, 0.5, देखो 0.5, और पी फाइनल कितना आ गया हमारे पास, 0.476। तो यहाँ पे 0.476 पुट कर लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। सॉल्व वैसे ही करना जैसे मैंने आपको बताया सीक्वेंस में,
सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 4.98 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारे न्यूमेरिकल से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इन गैशियस फेज।